हेलो फ्रेंड्स, आज शाम को मैं लिली को एक बहुत बड़ी काम दी है जो उसे बहुत पसंद है करना और वो उसे करना चाहता है। पहले भी किया था एक दो बार, तो मैंने फिर से दिखाया आप लोगों को कि वो कैसे करता है। ये एक कोकोनट है, मैं मार्केट से खरीद के लाई थी। लिली को कोकोनट बहुत पसंद है, मैं उसको उसके साथ खेलना, उसको उसका ऊपर का जो स्किन है उसको निकालना, उसके छिलका को निकालना, और फिर खाना भी उसे बहुत पसंद है कोकोनट। तो उसे देखिए मैं दिया है और आपको देखा तो कैसे उसके पूरा सर निकाल देंगे, पर उसने बोला है कि मुझे 2-3 दिन टाइम लगेगा इसको पूरा निकालने के लिए। उसने शुरू कर दिया है, इसके पूरा जो ऊपर का जो इसका जो छिलका है कोकोनट का ऊपर उसको निकाल देंगे। देखिए कितनी बहुत मज़े से मस्ती से ये कर रहा है। तो मैंने सोचा कि हम लोग क्यों मुश्किल से कह रहे इसको निकालना, क्योंकि कोकोनट का पता है इसके ऊपर का ये जो निकालना स्किन बहुत मुश्किल होता है, तो उसको बहुत मज़े से करना आता है, तो इसलिए उसने कर रहा है। देखिए कितना मज़े से उसने खेल रहा है इसके साथ, और उसको धीरे धीरे पूरा ऐसे निकाल देगा। अब पहले दिन है, उसको दिया है मैंने एक बड़ा सा कोकोनट, और इतना मज़ा आ रहा है उसको इसके साथ खेलने में। और देखिए कितना अच्छी बेटी है, प्यारी सी छोटी सी बेटी है, इतना बदमाश है और इतना फनी भी है, पर इतना अच्छा। देखो मेरे काम करे, मेरे मम्मी का काम को हेल्प कर रहे, मम्मी के काम में है ना लिली। तुम इतने प्यारे और बदमाश क्यों हो, और ऊपर से इतना फनी भी हो। देखो लिली को ये पसंद है, और इसको कोकोनट को जब देती हूँ उसके पतला है वो उसका अंदर जो निकलता है उसका अंदर का जो रहता है सब कुछ, मतलब इतना मजे से उसको पूरा साफ करके खा लेता है। बिल्कुल भी एक भी छोटा सा व्हाइट स्किन नहीं रहेगा कोकोनट का, पूरा खा लेगा। पर टॉबी को इतना पसंद नहीं है कोकोनट, उसे ना खाना पसंद है ना उसके साथ खेलना पसंद है, पर लिली को कोकोनट बहुत पसंद है। उसको खेलना भी है उसके साथ और उसको खाना भी है, और उसे बहुत मज़े करते कोकोनट। आपने पहले भी देखा होगा उसका बहुत थोड़ा एक दो वीडियो है कोकोनट का, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो मेरे चैनल को इस चैनल के नीचे जो आ जाएंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा उसके पुराने जो कोकोनट का वीडियो है, शॉर्ट्स भी है, आप देख सकते हैं, बहुत फनी है। देखिए पहला दिन है जो उसने उसको लेके कोशिश कर रहा है इसको निकालने के लिए। उनको पता है कैसे इसको निकालते हैं इसके स्किन को, मतलब मैं सोचते आ रहा यार हम लोग इंसान इसको पता नहीं कैसे करते, वो लोग कैसे कर लेते, उसको कैसे पता है कैसे मजे से उसको छिल रहा है। बहुत समझदार है, मतलब उसको बहुत समझदार है कैसे कैसे करते हैं इसको काम को। तो ये है उसके पता है कि खाने का चीज़ है, इसके अंदर से कुछ निकलता है खाने का, टेस्टी टेस्टी होता है जो बहुत पसंद है। कोकोनट डॉग के लिए बहुत अच्छे भी होते हैं, तब दे दिया कीजिए डॉग को, बहुत अच्छे होते हैं, उसका ऑयल भी अच्छा होता है। फिर थोड़ी देर बाद वो थक गया और फिर खेलना शुरू कर दिया टॉबी के साथ। तो मैंने बोला ठीक है थोड़ा खेल लो, फिर बाद में करना अपना काम। अभी देखो कितना उछल कूद कर रहा है, तो उसके इतना एनर्जी है, फुल एनर्जी है पूरा। शाम को मतलब शाम को उसका एनर्जी ज़्यादा हो जाता है सुबह से ज़्यादा। फिर वापस से अगले फिर से बैठ गया उसने, देखिए थोड़ा बहुत निकाल दिया उसने स्किन को, और कोशिश कर रहा है कि और अच्छे से निकालने के लिए। इतना अच्छा लग रहा है देखने में, और देखिए वो भी बहुत एंजॉय कर उसके साथ खेल रहा है, उसका भी टाइम पास हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा है उसके लिए टाइम पास। वो बिजी रहता है उसके चीज़ के साथ, मतलब बदमाशी कम करेगा, एक जगह बैठ के उसके साथ खेलेगा और उसका ये पूरी तरह निकाल देगा धीरे धीरे करके। देखिए अगले दिन है और इसने कितने सार निकाल दिया है खींच खींच के, पूरे बिल्कुल इंसान की तरह इसको देखिए हाथ से ऐसे खींचते हैं हम लोग, ये खींच खींच के निकाल रहे हैं। उसे इतना अच्छा लग रहा है देखने में, इतना फनी लग रहा है। That's good. Good.
थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ये लो। देखिए उसने पूरा इसको क्लीन कर दिया है, और थोड़ा सा बचा था, ये बहुत हार्ड था इसलिए मैंने बात बाकी का निकाल दिया ये वाला, पर बहुत अच्छा किया है ना। अब बताइएगा कैसे लगा आपको। ओके बाय।